नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। एक नजर डालेंगे उत्तराखंड की खबरों पर। उत्तराखंड से आज की सबसे बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल सरकार ने नए बनाए गए मीडिया सलाहकार दिनेश मानसेरा को पद से हटा दिया है। इसके आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि सोमवार को ही दिनेश के आदेश जारी किए गए थे, लेकिन उसके बाद उनके खिलाफ लगातार चल रहे अभियान को देखते हुए शासन ने ये फैसला लिया है। पूर्व मुख्य सूचना आयोग शत्रुघ्न सिंह सीएम तीरथ सिंह रावत के मुख्य सलाहकार बनाए गए हैं। बता दें 1983 बैच के आईएएस हैं शत्रुघ्न सिंह। प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव भी वो रह चुके हैं। शत्रुघ्न सिंह 2015 में उत्तराखंड के मुख्य सचिव बने थे। शत्रुघ्न सिंह बेहतरीन ईमानदार अधिकारी तो हैं ही, इसके साथ ही सभी अधिकारियों को साथ लेकर काम करने वाले अधिकारियों में से एक हैं। मुस्लिम समुदाय के दो पक्षों के बीच मस्जिद पर कब्जे को लेकर मस्जिद बोर्ड के उपाध्यक्ष पक्ष के दबंगइयों ने बोर्ड के अध्यक्ष की गैर मौजूदगी में उनके घर पहुंचकर उनके परिजनों के ऊपर दबंगई दिखाते हुए जानलेवा हमला कर दिया। बता दें कि मामला थाना क्षेत्र मंगलौर के गांव गाधा रोना का है, जहां मुस्लिम समुदाय के दो पक्षों के बीच मस्जिद पर कब्जे को लेकर आपस में चले लाठी डंडे, जिसमें मस्जिद की रहनुमाई कर रहे मस्जिद बोर्ड के अध्यक्ष की गैर मौजूदगी में उनके परिजनों के साथ उपाध्यक्ष पक्ष के दबंगई लोगों ने के द्वारा मारपीट की गई, जिसमें तीन लोगों को गंभीर चोटें आई हैं, जबकि एक बुजुर्ग महिला का दबंग लोगों ने हाथ तक तोड़ दिया, जिनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। कोविड-19 की जंग में अपनी सेवा दे रहे रेलवे के कर्मचारियों ने बिना आयु प्रतिबंध के कोविड वैक्सीन लगवाने की मांग सरकार से की है। रेलवे कर्मचारियों का तर्क है कि वो भी लगातार फ्रंटलाइन पर रहकर अपनी सेवाएं भारत के लोगों को देने लगे हैं, मगर डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ और पुलिस की तरह उनको फ्रंटलाइन वॉरियर्स की श्रेणी में नहीं रखा गया, जो रेलवे कर्मचारियों के साथ अन्याय है। योग नगरी रेलवे स्टेशन ऋषिकेश के अध्यक्ष ने भी सरकार से उन्हें फ्रंटलाइन वर्कर का दर्जा देने के साथ जल्दी से जल्दी बिना आयु प्रतिबंध के कोविड-19 की वैक्सीन लगवाने की मांग की है। एक तरफ जहां कोरोना से लगातार ही प्रदेश में संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, वहीं सरकार द्वारा लॉकडाउन लगाकर इसे नियंत्रण करने का कार्य भी किया जा रहा है। अगर बात करें प्रशासन की, तो स्वास्थ्यकर्मी, पुलिस, प्रशासन लगातार ही फ्रंटलाइन वर्कर्स बनकर आगे खड़े हैं, अपने घर परिवार से दूर लोगों को अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था देने में लगे हुए हैं। ऐसे में उन्हें खुद की चिंता न होने की बात अगर कहें तो फ्रंटलाइन वर्कर्स की चिंता करते हुए कमल जोशी द्वारा लालकुआं विधानसभा क्षेत्र में लगातार काढ़ा सेवा चलाकर प्रतिदिन स्वास्थ्य कर्मियों को पुलिस वालों को काढ़ा पिलाने का काम किया जा रहा है। कमल जोशी ने से जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य कर्मी और पुलिस सबसे आगे हम सभी को सेवा में नियंत्रण काम कर रही है, ये भी तो एक आम इंसान है, इनके बारे में भी तो हमें विचार करना चाहिए, इसीलिए मैं ये सेवा चला रहा हूँ। ये काढ़ा सेवा जो है हमारे गुजरात में बड़े भाई के रूप में दिनेश पटेल जी रहते हैं, उन्होंने मुझको कहा कि इस दौरान जो है आप काढ़ा सेवा करिए और लोगों को, और जितने फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, पुलिस वाले हैं, सफाई कर्मचारी हैं और जितने हैं, उनको काढ़ा पिलाने का काम करो। पिछली बार चाय सेवा के लिए भी उन्होंने पेश करने का काम किया था, और जो यात्री आते हैं उन यात्रियों को सूखा नाश्ते का के लिए दिनेश पटेल जी ने गुजरात से उनकी पूरी टीम और सब गोपाल जी हैं वो सब लोग जो है हमको प्रेरित करते हैं, वहाँ से कहते रहते हैं कि आप ये कामों को करो और हम उस काम में निरंतर लगे हुए हैं। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।